इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही है। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने क्या किया था कि अर्थ के आसपास एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी और मास को रखें तो अर्थ, अगर अर्थ ने उसे खींच लिया तो ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, अगर अर्थ नहीं खींच पाई तो फील्ड से बाहर चला गया। चार्ज में भी वैसे ही है, एक चार्ज है, चार्ज अपने आसपास फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर अगर आप एक चार्ज पुट करें, दूसरा चार्ज, और पहले चार्ज ने उस पर अगर फोर्स लगा दी फिर तो दूसरा चार्ज फील्ड के अंदर है, और अगर वो फोर्स नहीं लगा पाया, आपस में कोई फोर्स नहीं, तो फील्ड के बाहर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज, तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अ गिवन चार्ज, एक चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, इज डिफाइंड एज स्पेस अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के आसपास एक ऐसी जगह इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस की जा सकती है, ड्यू टू अ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, जो अनदर चार्ज पुट करोगे तो गिवन चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो फील्ड है, नहीं लगा पाया तो फील्ड के बाहर है। ठीक है तक? अब आपने ये भी देखा होगा या सुना होगा, ग्रेविटेशन में भी किया था, कि अर्थ के जितने नज़दीक रहेंगे फील्ड उतना स्ट्रांग है, अर्थ से दूर जाएंगे फील्ड वीक वीक होता होता जीरो हो जाता है। तो उसी तरीके से चार्ज के कितने नज़दीक रहेंगे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, दूर जाने पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर किया जा सकता है किसी पॉइंट पे, और वो मेजर कैसे किया जाता है, बाय अ टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। ठीक है तक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या बताती है, इंटेंसिटी स्ट्रेंथ है, आपको स्ट्रेंथ बताती है फील्ड की, आपको वैल्यू बताती है फील्ड की कि कितना स्ट्रांग फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, या ई द वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली, अगर आपको किसी भी जगह पे ई निकालना है तो क्या तरीका है, जैसे एक कोई भी बॉडी है, आपको आर दूरी पे यहाँ पर ई निकालना है, जहाँ पर भी आपको ई निकालना है वहाँ मान लो चार्ज क्यू नॉट पड़ा हुआ था, पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट है, तो आप क्या करें, ये फॉर्मूला नोट करें, ई निकालने का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज, पर चार्ज कौन सा, इसका चार्ज नहीं, जहां आपने ई निकालना है उसके ऊपर जो चार्ज पड़ा है उससे डिवाइड करना है, क्योंकि आपको ई यहां निकालना है जहां पर चार्ज क्यू नॉट है, तो एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज था, जिसने क्या प्रोड्यूस किया, फील्ड प्रोड्यूस किया, इस 10 कूलम चार्ज के फील्ड में मैंने ये चार्ज को रख दिया ये देखने के लिए कि 10 कूलम कितना फील्ड लगा रहा है, पर प्रॉब्लम क्या हुई कि ये क्यू नॉट की वैल्यू 100 कूलम है। अब यार ये तो कन्फ्यूजन हो गई, 10 कूलम का फील्ड स्टडी करने लगा, वहाँ पड़ा हुआ था 100 कूलम का चार्ज, अब 100 कूलम का चार्ज अपना ही फील्ड लगा देगा, अब मैं किस किस फील्ड को स्टडी करूँ, 10 कूलम की 100 कूलम, 100 कूलम ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा तो 10 कूलम तो निगलेक्ट ही हो जाएगा उसके सामने। तो मैं अगर 10 कूलम के चार्ज के फील्ड को स्टडी करना चाहता हूँ तो इस चार्ज को बहुत छोटा लेना पड़ेगा मुझे, इतना छोटा कि इसका कोई फील्ड ना हो, नेग्लिजिबल फील्ड हो, मैं तभी इस बॉडी के फील्ड को स्टडी कर पाऊँगा, नहीं तो मैं फील्ड को स्टडी नहीं कर पाऊँगा। जैसे अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ के सामने मेरा या आपका मास कुछ भी नहीं है, तो अगर आप इस जगह पर अर्थ के फील्ड को स्टडी करना चाहते हो, हम सारे मिलके भी अगर यहाँ अपना फील्ड लगाएं तो अर्थ के सामने नेग्लिजिबल है, हम अर्थ के फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं और हम ये मान भी लेंगे कि हम सबका मास नेग्लिजिबल है, पर अगर एक और अर्थ बिल्कुल ही अर्थ के फील्ड के अंदर पड़ी हो फिर वो भी अपना फील्ड लगाएगी, फिर कैसे स्टडी करोगे। तो इसलिए जब आप एक गिवन चार्ज का फील्ड स्टडी करते हो या उसकी वैल्यू निकालते हो, उसके आसपास जो चार्जेस हैं वो फील्ड नहीं लगाएंगे, वो प्रेजेंट तो हो सकते हैं पर वो अपना फील्ड नहीं लगाएंगे, तो क्यू नॉट फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है जहाँ पर हमने ई निकालना है। तो इसमें E वेक्टर F बाई क्यू नॉट, तो इसलिए हम एक कंडीशन बनाते हैं कि क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट लगाते हैं क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब ये नहीं होता क्यू नॉट जीरो हो गया, इसका मतलब ये होता है क्यू नॉट
की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, जीरो के करीब, 0.0000 समथिंग, या इन शॉर्ट क्यू नॉट इज अ पॉइंट चार्ज। ऐसा करने से ये बोला जाता है इट्स अ पॉइंट चार्ज। तो यानी कि पॉइंट चार्ज तो कम से कम फील्ड लगाएगा नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज। तो कोई एंड क्यू नॉट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन ई वेक्टर, ई में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं इसका। तो ये डेफिनेशन याद रखना, एनसीईआरटी में गिवन है, कई बार ऑब्जेक्टिव मार्क करने को आ जाएगी। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है? यहाँ तक यूनिट्स क्या होंगे ई के, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम ई के यूनिट्स है, न्यूटन नहीं है, न्यूटन पर कूलम है। अब ई निकलेगा कैसे, मैथमेटिकली निकालते हैं ई की वैल्यू, उसके बाद बात करते हैं। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए सपोज करो ये चार्ज क्यू है, मुझे फील्ड निकालना है क्यू चार्ज का। कहाँ निकालना है, आर डिस्टेंस पे निकालना है, जहां पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू नॉट। तो मुझे क्यू चार्ज की वजह से ई निकालना है, जहां पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू नॉट। तो यहां पर अगर मुझे ई निकालना है तो क्यू नॉट फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, फील्ड किसकी वजह से निकलेगा, क्यू की वजह से। क्योंकि जिस जगह पर आपको ई निकालना है वहां पर जो भी चार्ज पड़ा है वो फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो यहां पर अगर फील्ड निकालना है, यहां पर जितना भी चार्ज पड़ा है उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो फोर्स की वैल्यू दोनों की कितनी है, 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसिल। तो एक चीज नोट करो, ई के फॉर्मूले में क्यू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ई के फॉर्मूले में क्यू कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि फील्ड किसकी वजह से निकल रहा है, क्यू की वजह से निकल रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, फील्ड क्यू की वजह से निकल रहा है। तो ई वेक्टर इज ड्यू टू क्यू एंड क्यू नॉट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन ई। तो फिर क्यू नॉट लिया, क्यू नॉट को डिवाइड कर दिया, फिर काट दिया, फिर लिया क्यों, डेफिनेशन बनाने के लिए लिया, पर ई में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इसलिए क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब, तो डेफिनेशन बनाने के काम आ रहा है, पर ये ई में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, क्लियर है यहां तक? तो इमेजिनरी टेस्ट चार्ज चाहिए। पर ये बड़ा अजीब है कि पहले क्यू नॉट लो, फिर क्यू नॉट को कट करो, फिर कहो क्यू नॉट गायब हो गया, तो क्यू नॉट लिया क्यों? तो मेथड टू सीखो, क्यू नॉट लेना ही नहीं। फिर से सेम क्वेश्चन है, क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे ई निकालना है, तो हम ये रूल बनाते हैं कि क्यू नॉट लेके क्यू नॉट को काटना ही नहीं है, जहां पर भी ई निकालना है वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो प्लस वन, ये भी टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट की जगह क्या ले लेंगे, प्लस वन। तो जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या लेना है, प्लस वन। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपने प्लस वन लेना है। फिर प्लस वन ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की क्यू की वजह से, बोलो 1/4πε0 क्यू बाय आर का स्क्वायर, ई आ गया आंसर, डन। कोई क्यू नॉट नहीं, कोई काटना नहीं, सिंपल। जहां ई निकालना है प्लस वन रखो, क्यू ने कितनी फोर्स लगाई वो लिख दो, वो ई हो गया, सिंपल। ये ज्यादा आसान है, तो मैं यही फॉलो करूंगा, जहां जहां मुझे ई निकालना पड़ेगा वहां मैं क्या रखूंगा, प्लस वन। क्लियर है यहां तक? तो E इज अ वेक्टर, तो E वेक्टर बेसिकली क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने लिख दिया इसमें, एंड E के जो यूनिट है मैंने बताई दिया, न्यूटन पर कूलम है। डायरेक्शन जो E की है, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो E की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन के साथ चलेगी। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है, E भी अट्रैक्टिव है, फोर्स रिपल्सिव है, E भी रिपल्सिव है। मैं करके दिखाता हूँ कैसे।